अभी देख सकते हैं कि ये पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, और ये वाला आप पेपर देखें, ये वाला पेपर आपका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ यू। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने टाइम टेबल दे दिया है एंड एवरी स्टूडेंट नोज़ इट। हर किसी को पता चल गया है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर कोई स्टोरी भी शेयर कर रहा है कि स्केड्यूल आ गया है, आ गया है। पहले बच्चे ये कह रहे थे स्केड्यूल आ जाए तो हम तैयारी करें, अब स्केड्यूल आ गया है, टाइम टेबल आ गया है तो बच्चे परेशान हैं कि तैयारी किस तरह होगी। तो आपको जैसा कि पता है कि मैं इंग्लिश की तैयारी करवाता हूँ, जो इंग्लिश ग्रामर है, कंपोजिशन है, फिर CAS राइटिंग वगैरह के बारे में भी तैयारी करवाता हूँ। अब जितने भी बच्चे लेक्चरशिप में बैठ रहे हैं, पहले तो हम चलते हैं, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, जो पेपर पास पेपर हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, सिंधी है, उर्दू है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें इंग्लिश पोर्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश पोर्शन हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है, मेरी क्या स्ट्रेटजी है। काफ़ी बच्चे मैसेजेस भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि क्रेश प्रोग्राम बनाएं इंग्लिश का, ग्रामर का, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम पेपर देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी देख सकते हैं कि ये पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, और ये वाला आप पेपर देखें, ये वाला पेपर आपका इकोनॉमिक्स का है, और उसके बाद ये वाला पेपर आपका फिज़िक्स का है, ये पेपर आपका देखें, ये नीचे वाला ये उर्दू का पेपर है, और इसमें भी आपको अंग्रेज़ी यहाँ पे नज़र आएगी। और यहाँ पे चलते हैं, अब हम क्वेश्चंस देते हैं। ये लिटरेचर का है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंग्लिश लिटरेचर का आपको नज़र आएगा। और इसमें देखें, ये वाले सवाल जो आए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सवाल आया है, ये वाला आप देख लें। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मार्क द वीक स्पॉट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। साइंटिस्ट वर, आप देखें साइंटिस्ट, यहाँ देखें साइंटिस्ट वर इंटरेस्टेड अबाउट दी रेडियो एक्टिविटी। अब देखें इंटरेस्टेड के साथ हम अबाउट नहीं डालते, इंटरेस्टेड यहाँ पे आपका इन आएगा। उसके नीचे देखें दूसरा है, हिज हाईली इमेजिनरी कंपोजिशन वन द जजेज अप्रूवल एंड द फर्स्ट प्राइज इन द हाई स्कूल, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हिज हाईली जो है ना, ये ए वाला हाईली है, ये वाला आपका गलत है, ये हाई इमेजिनरी होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं ग्रेट इमेजिनरी, हिज ग्रेट इमेजिनरी, हिज हाई इमेजिनरी, हिज वंडरफुल इमेजिनरी कंपोजिशन। तो हाईली यहाँ पे एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आएगा, हिज हाई इमेजिनरी कंपोजिशन वन द जजेस। तो इसमें ये वाली गलती है। तो इस तरह आप ये देखें, इकोनॉमिक्स का है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला इकोनॉमिक्स का पेपर है, और इकोनॉमिक्स वाले पेपर में भी हम देखते हैं कि यहाँ देखें, इन द मॉर्निंग आपको नज़र आएगा, ही स्टडीज़ एंड एट नाइट ही वर्क्स। अब यहाँ देखें इन द मॉर्निंग्स में यहाँ एस आया है। तो इस तरह आपको अंग्रेज़ी ग्रामर में फ़ायदा होगा अगर आप लेते हैं क्लासेस। तो ये सारे पेपर्स मेरे पड़े हैं, मेरे पास पड़े हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपने देखा पेपर में क्वेश्चंस आए थे, इंग्लिश जो लेक्चरर की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो इंग्लिश का पोर्शन है, ग्रामर का जो पोर्शन है, जितने भी जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट के, जहां से आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्रेश प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मंडे से। जितने भी बच्चे हैं, क्रेश प्रोग्राम 1 मंथ का है, क्योंकि आपके मार्च में पेपर होंगे, तो नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जितने भी सीरियस बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रामर तो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन बच्चों को तो वैसे भी आने चाहिए, जितने भी स्ट्रक्चर हैं आपके, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, नरेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके अलावा आपके कुछ idioms होते हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं आपके, प्रेपोजिशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ाई जाएंगी क्रेश प्रोग्राम में। और ये जो क्रेश प्रोग्राम है, ये स्पेशली 1 मंथ का मैंने डिज़ाइन किया है उन बच्चों के लिए। कुछ बच्चे जो मेरे पास पढ़ गए थे वो अभी कह रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, और जो बच्चे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ये वाला मेरा नंबर है 0333717872। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लें। फ़ी मैं आपको बता देता हूँ, फ़ी मेरी बिल्कुल मिनिमम होगी, क्योंकि 1 मंथ का होगा, तो 1 मंथ में हम कोशिश करेंगे कि आपके जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सारा क्लियर कराया जाए। दूसरे सब्जेक्ट्स वाले बच्चे जो कि इकोनॉमिक्स हैं, सिंधी है, उर्दू है, जितने भी बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो स्पेशली ये होगा, वो बच्चे हैं जो इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, वो तो ज़रूर लें, क्योंकि उनके तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 15, 18, 19 क्वेश्चंस आते हैं, 20 तक भी आते हैं आपके पेपर्स में, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 25, 50 क्वेश्चंस आते हैं तो 25 पे पास है,
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरू से स्ट्रेटजी ये है कि आपको 50 क्वेश्चंस देती है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसमें अगर आपके 25 सही हैं, अर्बन है या रूरल, 25 आपके सही हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे सीरियस हैं, बिल्कुल ये सेशन मेरा लें। और मंडे से 3:30 पे क्लास होगी, 4:30 पे ख़त्म होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, रजिस्ट्रेशन करवा दें, वन टाइम फ़ी है। और आई एम श्योर वंस यू हैव माय क्लासेस यू विल सी द ग्रेट चेंज विद इन। तो ये है आज का, मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है क्योंकि स्केड्यूल आ गया है। तो आपको अगर ये सेशन लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, सीरियस हो जाएं, इतना हो सके सीरियस हो जाएं और सीरियस होकर इन चीज़ों को तैयारी करें, तो आई एम श्योर कि यू विल गेट थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड टाइम, अल्लाह हाफिज़।